हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, बनाने वाली हूँ कीमा के कोफ्ते, मटन के कोफ्ते, कीमा करी। वो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलते हैं अपने कीमा की तरफ, कोफ्ते की तरफ। देखिए गाइस, ये है मेरा कीमा मटन का, आधा किलो का था। तो इसको मैंने वॉश कर लिया छटनी में, और फिर हमारा ड्राई हो गया है अच्छी तरीके से, सारा जो एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल चुका है। ये मेरा बेसन है भुना हुआ 3 स्पून, उसको मैंने तवे पे भून लिया था स्लो पे। ये मेरा ऑनियन है पिसा हुआ, ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मेरी जीरा और धनिया भुना हुआ है, उसको मैंने तवे पे भून लिया था। एंड ये मेरी ऑनियन है, एंड हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये धनिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है ग्राइंड से। तो इसको अब हम बनाएंगे कोफ्ते, वो बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलते हैं अब इसको हम अपने कोफ्ते, जो हमारा मटन है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने अपनी बड़ी प्लेट में कीमा ऐड कर लिया, इसमें फिर बेसन डाल लिया जो कि चॉप करी हुई हमारी ऑनियन और हरी मिर्च थी और हल्दिया था, वो मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर। अब मैं जो हमारा ये धनिया और ज़ीरा था भुना हुआ, वो हम इसमें ऐड करेंगे। वन स्पून। उसके बाद में हम डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। टू स्पून। उसके बाद डालेंगे हम अपना सॉल्ट, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसमें भी हमारे डलेगा, तो हम अपने अकॉर्डिंग एक वन स्पून डाल दिया मैंने इसमें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अपना गरम मसाला पिसा हुआ, एंड थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसको हमें सब मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने अपना जो सारा था उसको मिक्स करके अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फिर हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से राउंड शेप दिया है, ये राउंड। आप इसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, मेरे को इतना ही रखना है मीडियम। तो इस तरीके से मैं अपने सारे जो कीमा के कोफ्ते हैं गोल गोल वो बना लूँगी राउंड शेप में, और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते बनके रेडी हैं। मैंने इस तरीके से बनाए हैं, मैंने शेप इस तरीके से दिया हुआ है, आप या इसका शेप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो अब मेरा एक तरफ ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे स्लो पे, बिल्कुल स्लो पे हमें गैस रखना है, एंड लाइटली ब्राउन रखने हैं हमें। तो अब हम इसमें सेक लेते हैं सारे। तो हमें एक एक करके इसको उठाना है इस तरीके से, और अपने ऑयल में डालना है। एक साथ में हमें नहीं सेकना है, थ्री डाल सकते हैं, 3 या 4, उससे ज़्यादा नहीं। हल्के हैंड से चलाएंगे इसे। कोफ्ते बहुत तरीके से बनते हैं, मैं डीप फ्राई करके बना रही हूँ। अगर आप ऐसे कुछ आप इसको फ्राई नहीं कर सकते, मर्जी है आपकी, लास्ट में डालना चाहें आप पूरी ग्रेवी बना के, तब भी ऐड करके डाल सकते हैं, तब भी बन जाएंगे, बट डीप फ्राई करके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल हम लाइटली ब्राउन कर लेंगे, इसके साथ हम सारे सेक लेंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते सारे सिक चुके हैं। ये आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा कम भी हो गया क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही खा लिए फ्राई करके घर में, तो इसको आप चटनी से या चाट मसाले के साथ भी खा सकते हैं। अब इसको हम करेंगे फ्राई अभी। तो मेरा ये ऑनियन, कुछ ये तेज पत्ता, लकड़ी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, और इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। देखिए, हमारे ऑनियन गर्म हो चुके हैं, इसलिए हम डाल देंगे अपने प्याज। इसके कारण हम डाल रखे थे, इसके बाद में हम मसाले ऐड करेंगे,
सॉल्ट भी थोड़ा ही ऐड करेंगे, ग्रीक सॉल्ट डाल चुके हैं कोफ्ते में, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, टी स्पून हल्दी, थोड़ी सी कटी लाल मिर्च, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें मसाला खुद अच्छे से भूनना है जब तक इसमें रेडिश बन ना जाए और एक अच्छा सा ऑयल ना छोड़ दें। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है, तो देखिए हमारा मसाला भून चुका है। तो देखिए मसाले की पहचान यही होती है कि हमारा मसाला खुद अच्छे से भून जाए, एक रेडिश बना जाए और खुद अच्छा ऑयल छोड़ दें। अब इसमें हम अपना वाटर ऐड करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे एक ग्लास वाटर, मैंने इसमें अपना वाटर ऐड कर दिया है, डेढ़ ग्लास मैंने वाटर ऐड कर दिया है। अब हमारा एक बॉयल आने का वेट करना है, उसके बाद ये थोड़ा सा हमें 10 मिनट के लिए पकाना है। जब हमारा सोबा शुरू अच्छे से पक जाएगा 10 मिनट के बाद, पहले तो एक बॉयल आने का वेट करना है, उसके बाद 10 मिनट में हमारा ये पक जाएगा शोरबा अच्छे से सालन। उसके बाद में हमने हमारे जो कोफ्ते थे ये वाले डीप फ्राई किए हुए वो इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में हमें इसे 10 मिनट तक पकाना है, फिर हमारी जो कोफ्ते की करी होगी वो बन के रेडी है, फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा एक बॉयल आ चुका है, उसके बाद में हमारा फ्राई भी बॉयल भी आ गया है, अच्छे से बॉयल भी हो रहा है। अब हम इसमें कोफ्ते में ऐड कर देंगे ताकि हमारे कोफ्ते जो अंदर से और पक जाए। वन बाय वन हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे, फिर हमें 10 मिनट के लिए पकाना है, फिर हमारी कोफ्ते करी बनके रेडी है, फिर हम सर्व करेंगे। देखिए हमारे जो कीमा की करी थी, कोफ्ते की करी थी, कीमा कोफ्ता करी वो बनके रेडी है, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इसमें हम गार्निश के लिए अपने हरा धनिया का ऐड करेंगे, ये बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है गाइस। जिस तरह से मैंने बनाया है आप भी उस तरह से ट्राई करना, ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आने वाली आपसे मिस ना हो। तो ऐसी मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। ओके गाइज, बाय बाय।